हेलो दोस्तों, कलमी टेल्स में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज हम क्या बनाने वाले हैं, पर उसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसे लाइक करना ना भूलें। आज हम बनाएंगे पाइनएप्पल क्रीम। ये हमने फ्रेश व्हिप्ड क्रीम और पाइनएप्पल से बनाया है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या चाहिए हमें इसे बनाने के लिए। ये काफ़ी क्रीमी और स्वीट डिज़र्ट है। एक वेसल में हम एक ग्लास पानी डालेंगे और फिर उसके अंदर 3 टीस्पून शुगर डालेंगे स्वीटनिंग के लिए, और इस तरीके से कट करके पाइनएप्पल डाल देंगे। हमने यहाँ पे 2 कप पाइनएप्पल के पीसेस लिए हैं। इसे हाई फ्लेम पे पकने देंगे और 1 पिंच केसर डाल देंगे इसके अंदर अच्छा फ्लेवर और कलर के लिए। ये अच्छा थिक हो रहा है। अभी हम इसके अंदर इलायची डाल देंगे 1 पिंच और उसे मिक्स कर लेंगे। हम इसे हाई फ्लेम पे कंटिन्यूसली स्टर करते रहेंगे जब तक इसका पानी पूरा सूख ना जाए और ये प्रॉपर पल्प ना हो जाए। और जैसे कि आप देख सकते हैं, ये पाइनएप्पल पूरा अच्छे से बॉईल हो गया है। अभी ये अच्छा स्वीट हुआ है और इसमें अच्छा इलायची और केसर का भी एड ऑन फ्लेवर आया है। इसे साइड पर ठंडा होने रख देंगे। अभी एक जार में हम कुछ आइस क्यूब्स डाल देंगे और उसमें इस तरीके से कट करके पाइनएप्पल डाल देंगे। 3 से 4 स्लाइसेस पाइनएप्पल को कट करके डालना है। इसे एकदम फाइनली ग्राइंड कर लेंगे और उसकी प्रॉपर पतली प्यूरी बना देंगे और इसे साइड पर रख देंगे। हमारा चिल्ड पाइनएप्पल पल्प रेडी है। एक छोटा बोल हमने क्रीम लिया है यहाँ पर, उसे हम इस तरीके से विस्क कर देंगे। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप इसे अपने हाथ से भी व्हिप कर सकते हैं। इसे हम तब तक व्हिप करेंगे तब तक ये अच्छा फ्लफी और सॉफ्ट ना हो जाए। और जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी इसमें थोड़ा लाइटनेस आ गया और ये अच्छे से व्हिप हो गया है। अभी जो हमने पाइनएप्पल और आइस डाल के मिक्सर में पल्प बनाया था उसे डाल देंगे और इसे भी अच्छे से व्हिप कर लेंगे। हमने जो पाइनएप्पल से क्रीम बनाया है ये रेडी है। अभी हम इसे ग्लास में सर्व कर देंगे इस तरीके से। 1 लेयर जो पाइनएप्पल क्रीम बनाया है वो डालेंगे और फिर जो हमने स्वीटन पाइनएप्पल पल्प बनाया था बॉईल करके, उसका 1 लेयर डाल देंगे। ध्यान रहे कि ये ठंडा हो उसके बाद आप डालें, वरना जो क्रीम है वो मेल्ट हो जाएगा। इसके लिए ठंडा होने के बाद इस तरीके से हम क्रीम डाल देंगे उस पर। और फिर एक और लेयर पाइनएप्पल क्रीम जो हमने बनाया है वो डाल देंगे और ये हमारा पाइनएप्पल क्रीम जो है वो रेडी हो गया है बनके। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी क्विक रिफ्रेशिंग पाइनएप्पल क्रीम की रेसिपी अच्छी लगी होगी। दूसरी रेसिपीज भी ज़रूर चेक कीजिएगा और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कॉमेंट करें।